साधु सूत्र। सूत्र उपदेश का नाम क्या है? साधु सूत्र। साधु, साधु मतलब अच्छा के बारे में बताया गया सूत्र। उस समय सत्तुल्लपकायिक बहुत सारे देवताओं पूरा जेतवन आश्रम को प्रकाशमय करके तथागत भगवान बुद्ध के समीप आ गया। समीप मतलब आखिर भगवान बुद्ध को नमन किए। एक और खड़ा हो गए। खड़े होकर एक देवता भगवान बुद्ध को ये प्रीति वाक्य बताया। कौन देवता है ये? सत्तुल्लपकायिक एक देवता बताया, हे महान तथागत, दान देना कितना अच्छा है। खंजूसी तथा पाप विचारों में देर होने के कारण लोग दान नहीं देते हैं, लेकिन पुण्य करने में जो पसंद है और पुण्य का फल के बारे में जो जानते हैं वो दान देते हैं। तो और एक देवता भगवान बुद्ध के पास बताया ये प्रीति वाक्य, हे निदुकान स्वामी, हे तथागत, दान देना कितना अच्छा है। थोड़ा रहने पर भी दान देना ही अच्छा है। कौन कहता है? सत्तुल्लपकायिक देवताओं। ये सत्तुल्लपकायिक देवताओं बाकी देवताओं से ज्यादा सुंदर है, समान सुंदर है, शरीर से सभी लोग समान है। इतना सुंदरता इन लोग पुण्य करने के कारण मिला, तो इन लोग के ऐसा बोलने का कारण क्या है? इन लोग अनुभव किया ना, तो बताया। दूसरी देवता क्या बताए? दान देना बहुत अच्छा है, थोड़ा भी रहने पर दान देना चाहिए। कोई कोई लोग थोड़ा भी रहने पर दान देते हैं और लोग बहुत सुख संपत्त रहने पर भी दान नहीं देते हैं। थोड़ा रहने पर जो देता है ना दान, वो हजार महादान से ज्यादा कीमती है। जो थोड़ा रहने पर देता है ना, वो दान हजार महादानों से ज्यादा महत्फल है, महान है। समझ लीजिए, थोड़ा रहने पर देना चाहिए। तो और एक देवता भगवान बुद्ध के पास से प्रीति वाक्य बताया, हे महान तथागत, दान देना कितना अच्छा है, थोड़ा रहने पर भी दान देना बहुत ही अच्छा है, लेकिन श्रद्धा मन से दान देना सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। श्रद्धा मन से मतलब अगर जो दान देते हैं उनका दिल में तथागत भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा है, तो विश्वास है, तो आर्य सत्य धर्म के प्रति अटल विश्वास है, तो तथा आर्य महासंघ के प्रति अटल विश्वास श्रद्धा है, तो वो दान बहुत पुण्य मिलता है। दान देना युद्ध करने का बराबर है, एक युद्ध जैसा है ये दान देना, एक युद्ध के समान है। बहुत खंजूसी लोग दान देते नहीं है, लेकिन थोड़ा लोग समाज में है, संसार में है, बहुत थोड़े लोग ये दान की युद्ध से जीत जाते हैं, बहुत लोग हार जाते हैं। हार जाते मतलब बाद में देंगे, नहीं लेने का जरूरत क्या है, हम भी बहुत मुश्किल से कमाए, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ विचार करते करते बहुत लोग
दान नहीं देते हैं, खंजूसी से रहते हैं। श्रद्धा मन से भी जो दान देता है बहुत थोड़ी लोग, इसका मतलब श्रद्धा बहुत लोगों के पास है, थोड़े लोगों के पास श्रद्धा है। उन लोग जरूर जो दान देते हैं वो लोग जरूर मरने के बाद बहुत ही अधिक सुख प्राप्त करते हैं। तो और एक देवता भगवान बुद्ध के पास ये प्रीति वाक्य बताया, हे महान तथागत, दान देना बहुत ही अच्छा है, थोड़ा रहने पर भी दान देना ही अच्छा है, श्रद्धा से दान देना बहुत अच्छा है, तथा धार्मिक ढंग से जो कमाया है वो संपत्ति को खर्च करके दान देंगे तो बहुत अच्छा है। धार्मिक ढंग से मतलब बिना चोरी करके, बिना गलत काम करके, हाँ गलत बिजनेस नहीं करके, सही ढंग से दान देते हैं।